वेलकम टू के आर एस फूड मैजिक। आज मैं गुजराती रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है खमन ढोकला। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 2 टीस्पून चिरोटी रवा और इसमें हम डालेंगे सॉल्ट स्वाद अनुसार और जिंजर गार्लिक पेस्ट, अपने हिसाब से तीखा या कम कर सकते हो। 1 टेबल स्पून ऑयल, सॉल्ट जाएगा, 1.5 टीस्पून लेमन जूस। यहाँ पे हम साइट्रिक एसिड का यूज़ नहीं कर रहे हैं इसलिए लेमन जूस मैंने डाला है। यहाँ पे 1 कप मैंने बेसन लिया है तो 1 कप वाटर हम ग्रेजुअली डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। इसमें 1 टीस्पून जितना इनो जाएगा और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस बैटर को हमें ग्रीस की हुई प्लेट या फिर टिन में ट्रांसफ़र करके एक स्टीमर में स्टीम करना है। आफ्टर 20 मिनट्स आप देख सकते हो अच्छे से स्टीम हो चुका है और इसको बाहर निकाल के अच्छे से पीस बनाना है। अभी इसका तड़का लगाएंगे। सो तड़के के लिए 1 टेबल स्पून ऑयल, मस्टर्ड सीड्स, ग्रीन चिली, करी लीव्स डाल के इसको तड़का लगाना है और इसमें 1 टेबल स्पून शुगर डाल के 1/2 ग्लास पानी डाल के इसको बॉईल करना है और ये तड़के को हमें खमन के ऊपर स्प्रेड करना है। तो तैयार है हमारा बहुत ही स्पॉन्जी खमन ढोकला। तो आप भी ये रेसिपी ट्राई करना और मुझे कमेंट करना।